हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज सुबह ही गुड न्यूज़ आप सभी के लिए, वो स्टूडेंट खासकर जो एमपी पुलिस और एमपीएसआई की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सुबह सुबह गुड न्यूज़ देखने को मिली है। आपकी एमपी पुलिस और एमपीएसआई को लेकर आज के जो दैनिक भास्कर में आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। दोनों वैकेंसी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो खासकर मेन मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, पूरा डिटेल तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि कटिंग में वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं या फिर एक फुल वीडियो हम उसके ऊपर भी आपको बनाकर दे देंगे। तो मेन मेन पॉइंट है, खासकर अगर नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें कि एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, तो 1 महीने का बोला गया है। 1 महीने के अंदर आपको एमपी पुलिस का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग तैयार रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको भी आप अच्छे से और मजबूत कर दीजिए, ताकि अभी उसका एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम आपकी सितंबर में, आप लोग मान सकते हैं कि अगस्त में तो नहीं, बाकी सितंबर का उसके अंदर दिया हुआ है कि सितंबर के अंदर आपकी एग्जाम हो सकती है। तो एग्जाम के लिए भी आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि सितंबर के अगर हम माने तो 2 महीने आपके पास में बचे हुए हैं। जून आपका लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो तैयारी में आप और धार दे दीजिए, क्योंकि अब ज्यादा समय आपके पास नहीं है। आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर क्लियर बोल दिया है कि 1 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन, कुछ एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, कुछ एग्जाम्स का शेड्यूल बताया। वो एग्जाम जैसे आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद आपको कांस्टेबल की एग्जाम देखने को मिलने वाली है। तो ये तो कांस्टेबल का तो फाइनल हो चुका है कि कांस्टेबल की जो वैकेंसी है बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है, और जुलाई के अंदर उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं एसआई के लिए, तो एसआई का भी आपको देखने को मिलेगा, पर हो सकता है कुछ टाइम के बाद। उसकी प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं हुई है, और एमपी पुलिस की आपकी जो प्रक्रिया है कंप्लीट हो चुकी है। रूल बुक वगैरह सब कंप्लीट आपकी हो चुकी है। बच्चे कितने क्वालिफाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपकी होने वाली है, वो भी उसके अंदर पूरा डिटेल आपको बता दिया गया है। 5 गुना, 6 गुना नहीं, लगभग लगभग 7 गुना बच्चे, जो कि वो बता दिया है कि 7 गुना बच्चे आपके फिजिकल के लिए वहां पर क्वालिफाई होने वाले हैं। आपको पता है फिजिकल भी आपको 50% रहेगा, 50% आपका रिटर्न रहेगा। कुछ एग्जाम्स का 150 नंबर का आप लोग मान सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए, और कुछ का आपका 200 नंबर का होने वाला है। बाकी आपका फिजिकल होना तय है, और फिजिकल के नंबर भी आपको मिलने वाले हैं। फिजिकल तो आपको पहले भी होता था, बाकी पहले आपको नंबर नहीं मिलते थे। इस बार आपको 100 नंबर फिजिकल में मिलने वाले हैं और 100 नंबर आपको रिटर्न में मिलने वाले हैं। और यही चीज आपकी एमपी एसआई के अंदर हो सकती है, बाकी उसका भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, और एमपी कॉन्स्टेबल का आपका क्लियर हो चुका है। तो 1 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन, सितंबर के अंदर आपकी एग्जाम, 7 गुना बच्चे होंगे फिजिकल के लिए क्वालिफाई, और आपका रिटर्न और फिजिकल को मिलाकर आपकी मेरिट आएगी। ये चीज भी आप कंप्लीट मान सकते हैं। दूसरी चीज ये कि इस बार सबसे अच्छी चीज ये होने वाली है कि आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलने वाली है। अभी तक वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आती थी, बाकी इस बार कॉन्स्टेबल के अंदर आपको वेटिंग लिस्ट या एमपीएसआई के अंदर भी हो सकता है। अभी उसका बस क्लियर नहीं हो, बाकी एमपी पुलिस का क्लियर हो चुका है कि एमपी पुलिस के अंदर आपको वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिल सकती है। तो बस आप लोग लगे रहिए और अपनी तैयारी और जोर शोर से आप करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब इंतजार नहीं करना, अब आपको करना तैयारी और लेना आपको सिलेक्शन। तो ये है मेन मेन पॉइंट, और भी सारी चीजें उसके अंदर दी हुई है, बाकी सारी चीजें आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी ये वीडियो मैं आपको रूम से ही बना के दे रहा हूँ। जब क्लास जाएंगे डिजिटल बोर्ड पर, आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, क्या क्या उसके अंदर दिया हुआ है, क्या क्या एसआई का बोला गया है, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप लोग मान सकते हैं कि आपकी जो है एमपी कॉन्स्टेबल बहुत जल्द आपकी आने वाली है, और बहुत जल्द आपको रिटर्न देना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने का आपको समय मिल सकता है, कुछ एग्जाम्स का शेड्यूल है, इसलिए एग्जाम आपकी रुकी हुई थी, अभी तक आपको नोटिफिकेशन देखने को आपको नहीं मिला था। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, और सितंबर का बोला गया, सितंबर के अंदर आपका कॉन्स्टेबल का एग्जाम हो सकता है। लगे रहिए, क्योंकि आपको पता है दोनों जगह आपको एफर्ट लगाना है, फिजिकल भी और रिटर्न के अंदर भी। तो आप अगर फिजिकल के अंदर स्ट्रांग है तो आपको रिटर्न पर एफर्ट करना है, और अगर रिटर्न के अंदर अच्छे हैं तो आपको फिजिकल पर भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको दोनों जगह फोकस करना है, तभी जाके आपको सिलेक्शन होगा। एक जगह से आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको दोनों जगह अच्छा परफॉर्म वहां पर करना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर तैयारी करना है, फिजिकल हो या रिटर्न हो, तो आप लोग आ सकते हैं। बहुत कम फीस के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करने का आपको मौका यहाँ पर मिलने वाला है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9399078833। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लगती है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और पिछली बार का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, सभी बच्चे क्वालिफाई हुए थे, खासकर फिजिकल के अंदर सभी बच्चे क्वालिफाई हुए थे। जो बच्चे सिर्फ मेरिट में रुके थे वही बच्चे, बाकी सभी का सिलेक्शन हुआ था।
बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे पोस्ट मैंने डाली हुई, आप लोग देख सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम है, आप लोग आइए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए और अपना जो सपना है वर्दी लेने का उसको साकार कीजिए। बाकी डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।